फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली पनीर की रेसिपी। चिली पनीर खाना तो सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन घर में मार्केट जैसा रेस्टोरेंट जैसा आप नहीं बना पाते हैं, लेकिन मार्केट से लाते हैं तब हम चिली पनीर घर पे खाते हैं। लेकिन आज वीडियो को देख कर बिल्कुल मार्केट जैसा चिली पनीर आकर तैयार कर सकते हैं। चलिए तो देर किस बात की बनाना शुरू करते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून ही डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। डाल दिया है इसको ऐसे सूखा, मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर, डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, जब हम अपना पनीर जो मैरिनेट करेंगे उसमें डालेंगे, अगर हम इसे ऐसे बिना गोले पनीर में मैरिनेट करते समय डाल देते हैं तो क्या होता है ना, कहीं ज्यादा चिपक जाती है, कहीं कम हो जाती है। अगर इस तरीके से घोल बनाकर करेंगे तो अच्छे से अभी पे कोटिंग अच्छे से इसकी हो जाती है। इसको हम साइड रख देंगे। अब एक बड़ा बॉल ले लेंगे, ये मैंने बॉल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको इसके अंदर हम डाल देंगे। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने चावल का आटा, इसको इसके अंदर डाल देंगे। 2 ही टेबल स्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर, आप चाहे तो चावल के आटे की जगह मैदा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा डालेंगे। उससे क्या होगा ना, इसमें बहुत अच्छी जो हम पनीर में क्रिस्पनेस। नमक में इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हम जो आगे सॉसेस यूज करेंगे ना, नमक उसमें भी होता है। जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है उसमें भी नमक होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, स्पून से अच्छे से नहीं हो पाता है। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर, इससे क्या होता है कई बार लोग क्या ऐसे इसका घोल बना लेते हैं, जैसे बेसन का घोल बनाते हैं ना पकोड़े के लिए, उस तरीके से भी इसको उसमें घोल में डिप करके डीप फ्राई कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा उस पर कोटिंग हो जाती है कॉर्नफ्लोर की, या फिर जो हम उसमें मैदा डालते हैं उसकी, तो उसका टेस्ट आने लगता है। लेकिन अगर इसे आप ड्राई इस तरीके से करके बनाओगे तो जो आपका चिली पनीर बनेगा ना, बहुत ही अच्छे से बनेगा और चावल के आटे या फिर उसका टेस्ट नहीं आता है। हमने जो इसमें कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा डाला था उसकी जो मात्रा है इसमें सफिशियंट है, हमें और डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस पे देखिए अच्छे से सभी पे कोटिंग हो गई है। हम इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे साइड, ताकि जो इसमें हमने मसाले डाले हैं इसके अच्छे से कोटिंग हो जाए पनीर के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है, वापस इसमें मैं डालूंगी, यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच डालूंगी कॉर्नफ्लोर, आप इसकी जगह मैदा का भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून डाल दूंगी मैं पानी और इसके हम स्लैरी बनाकर तैयार कर लेंगे, इसको मिला देंगे। चिली पनीर तो खाना वैसे सभी को पसंद होता है, लेकिन सबकी शिकायत होती है कि मार्केट जैसा नहीं बन पाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके की जो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बनाएंगे तो आपका भी चिली पनीर बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बिल्कुल मार्केट और रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। हमारी स्लैरी भी तैयार है, अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल हमें अच्छा हाई गर्म चाहिए और हाई ही फ्लेम का चाहिए। हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, जितना इसमें एक बार में आ जाए थोड़ा थोड़ा गैप पे डालेंगे, ज्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, ना ज्यादा पास पास डालेंगे, ज्यादा पास पास डालेंगे तो ये आपस में चिपक भी जाते हैं। हम ऐसे ही फ्राई होने देंगे, इन्हें हम टच नहीं करेंगे, अगर हम तो क्या होगा इनकी जो कोटिंग खराब हो जाएगी। इन्हें 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई होने देंगे, 2 मिनट बाद हम इन्हें पलटेंगे। मिनट हो गई है, हम अपने पनीर को पलट के देख लेते हैं। देखिए इधर से अच्छे से क्रिस्प हो गया है, तो इन्हें सभी को हम पलटते पलटते दोनों तरफ से क्रिस्प कर लेंगे। हमारा पनीर हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी है, देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हमारा पनीर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा फ्राई कर लेंगे। हमने सभी अपने पनीर को फ्राई कर लिया है, अब हम इसी कढ़ाई में अपने पनीर बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको हम निकाल लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म है, इसमें मैंने 4-5 ली थी लहसुन की कलियां, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, इसको डाल देंगे इसमें और इसको हल्का सा इसका कलर चेंज होने देंगे। इसी के साथ यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इसको भी इसके साथ डाल देंगे, उसको थोड़ा सा कर लेंगे। ये हमारे हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली थी, इनको लंबा काट लिया है, और एक लाल मिर्च ली थी, इसको भी इनमें से कट करके इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया, इसको इसके साथ डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा सोते कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी, मैंने एक यहाँ पे बड़ा प्याज लिया था, इसको इस तरीके से डाइसेस में कट कर लिया है, इसको डाल देंगे यहाँ पर। प्याज को हम बस 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं हमें भूनना है, हल्का सा बस गुलाबी होने तक भूनेंगे, क्योंकि जो हम चिली पनीर बना रहे हैं इसमें सब्जियों का क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी, इसके साथ डाल दिया है, इसमें कट कर लिया था सब्जियों को, इसको भी हम थोड़ा सा सोते करेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है यहाँ पे सब्जियों को, इसको भी 1 मिनट तक सोते कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सभी सब्जियां हल्की
फ्राई हो गई हैं लेकिन इनमें क्रंच बराबर है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें कुछ सॉसेस, फ्लेम अपना कम कर देंगे। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने सोया सॉस, इसको इसके साथ डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने रेड चिली सॉस। चिली पनीर बना रहे हैं तो इसमें चिली सॉसेस तो जाएंगी कई तरीके से। यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ मैं ग्रीन चिली सॉस। 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें टोमेटो केचप, इससे इसमें स्वीटनेस आएगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है। अभी चीजों को मिक्स कर देंगे। सॉसेस को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा सॉसेस चाहिए तो आप इसमें और सॉस ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो हमारी ग्रेवी तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने स्लैरी बना के रखी थी ना, इसको एक बार चला लेंगे क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर है ना वो नीचे बैठ जाता है। इसमें डाल देंगे इसको मिला देंगे ऐसे अच्छे से, एक उबाल आने तक पका लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर पानी। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पतली या गाढ़ी जैसा चाहिए आप कम कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला है, तो आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें, नमक देख के ही डालें क्योंकि हमारी सॉसेस में भी नमक होता है। देखिए हमारी जो ग्रेवी है तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना फ्राई किया हुआ पनीर। आपको मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी, आप सॉसेस बना के रख लें, जब आप आना हो तभी आप इसमें पनीर डाल के सर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसे आप पहले बना के रख देंगे जो हमारा पनीर है वो सोगी हो जाता है, और अगर इसे आप तुरंत सर्व करेंगे और तुरंत इसमें पनीर मिक्स करेंगे तो इसकी जो क्रंचीनेस है वो बनी रहती है। ले लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे चिली पनीर बनकर तैयार है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। हमारा चिली पनीर बनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी डिलीशियस सा चिली पनीर कर तैयार है। अब घर में ही आप रेस्टोरेंट या फिर ढाबे से भी अच्छा पनीर चिली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी, पसंद आए तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियोज को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं गार्निशिंग कर देती हूँ थोड़े से हरे धनिए से, और यहाँ पे मैंने थोड़े से लिए हैं अदरक, चालिए थे अदरक के जूलियस देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।